अस्सलाम वालेकुम, मैं हुशमा असलम आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास ट्रीमाटोडा के बारे में। क्लास ट्रीमाटोडा जिसका फाइलम है फाइलम प्लैटीहेलमिंथेस, यानी कि ये फ्लैट वर्म्स हैं। अब इसके अंदर जो है पैरासिटिक फ्लैट वर्म्स हैं जिनकी 8000 जो है स्पीशीज पाई जाती हैं। अप्रोक्सीमेटली 8000 स्पीशीज ऑफ पैरासिटिक फ्लैट वर्म इन द क्लास ट्रीमाटोडा। ट्रीमाटोड्स का मतलब ये है परफोरेटेड फॉर्म। कैसी फॉर्म? परफोरेटेड। ट्रीमाटोडा को हम लोग कोलेक्टिवली कहते हैं फ्लुक्स। क्या बोलते हैं? फ्लुक्स बोलते हैं, जिस जो इस बात की निशानदेही करती है कि इनकी जो है ना फ्लैट बॉडी है, ठीक है, फ्लैट शेप है इनकी। क्लियर ये चीज? फ्लुक्स क्या डिस्क्राइब करती है कि इनकी वाइड और फ्लैट शेप है। तकरीबन सारे के सारे जो अडल्ट फ्लुक्स है ना वो पैरासाइट्स हैं। क्या है? पैरासाइट्स हैं वर्टिब्रेट्स के। किसके पैरासाइट्स हैं? वर्टिब्रेट्स के पैरासाइट्स हैं। जबकि फ्लुक्स की कुछ इमेच्योर जो स्टेजेस है ना वो वर्टिब्रेट्स, ऑन वर्टिब्रेट्स या फिर इन वर्टिब्रेट्स में भी पाई जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जो है एज अ पैरासाइट वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट पर ही पाए जाएँ, बल्कि प्लांट्स में भी फ्लुक्स जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा जो क्लास ट्रीमाटोडा की जो स्पीशीज़ है ना वो इकोनॉमिक और मेडिकल जो है ना वो इम्पोर्टेंस रखती हैं। अब ये जो फ्लुक्स होते हैं ना ये फ्लैट, ठीक है, ओवल टू इलोंगेट, ये इस तरह एक जनरलाइज्ड जो फ्लुक है ना उसका मैंने ये डायग्राम रिप्रेजेंट की हुई है। ये क्या है? ओवल टू इलोंगेट इनकी जो शेप है, ठीक है, इनका जो रेंज है ना, इनकी जो लेंथ है वो 1 मिलीमीटर से लेकर 6 सेंटीमीटर तक इनकी लेंथ हो सकती है, ठीक है। रेंज फ्रॉम लेस देन 1 मिलीमीटर टू 6 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब बात करते हैं कि इनकी खुराक क्या हो सकती है। ये होस्ट सेल्स और होस्ट फ्रेगमेंट्स को खाती हैं। दे फीड ऑन होस्ट सेल एंड सेल फ्रेगमेंट्स। ये होस्ट के सेल से, उनके फ्रेगमेंट से अपनी खुराक को लेते हैं। अगर बात करें इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में, तो इनके डाइजेस्टिव ट्रैक में माउथ और फेरनेक्स इंक्लूड है। क्या क्या इंक्लूड है? माउथ और मस्कुलर पंपिंग फेरनेक्स। अब बात करते हैं कि फेरनेक्स के बिल्कुल जो पोस्टीरियर है ना उसके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक को डिवाइड किया जाता है 2 एंडिंग वेरियसली ब्रांच पाउचेज में। किसमें फेरनेक्स को डिवाइड किया जाता है? 2 एंडिंग ब्रांच पाउचेज में, जिसको हम लोग सीका का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? सीका का नाम देते हैं। अगर आप लोग ये डायग्राम को फॉलो करें तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो फेरनेक्स है ना 2 ब्रांचेज निकल रही हैं, उनको हमने किसका नाम दिया हुआ है? सीका का नाम दिया हुआ है, जिसको हम लोग सिंगुलर फॉर्म में हम लोग सीकम भी बोलते हैं। बिल्कुल ये फेरनेक्स के बिल्कुल पोस्टीरियर में मौजूद है। पोस्टीरियर टू द फेरनेक्स द डाइजेस्टिव ट्रैक इज डिवाइडेड इन टू ब्लेंड एंडिंग वेरियसली ब्रांच पाउचेस, जिसको हम लोग सीका का नाम देते हैं। कुछ जो फ्लुक्स होते हैं उनकी सप्लीमेंट जो होती है ना, सप्लीमेंट अपनी खुराक हासिल करते हैं एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स के जरिए, ठीक है, अपनी वॉल्स के इर्द गिर्द न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके अपनी खुराक जो है ना वो हासिल करती हैं। इनका जो बॉडी वॉल स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल सिमिलर है सारे के सारे फ्लुक्स से, ठीक है। बॉडी वॉल स्ट्रक्चर इज सिमिलर फॉर ऑल फ्लुक्स एंड रिप्रेजेंट एन इवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन इन टू द पैरासिटिक वे ऑफ लाइफ, जो इस बात की निशानदेही करती है अगर इनका बॉडी वॉल जो है ना वो सेम है सारे के सारे फ्लुक्स के जैसा, तो ये इस बात की निशानदेही करती है कि इनके अंदर पैरासिटिक वे ऑफ लाइफ अडॉप्टेशन एग्जिस्ट करती है। अगर हम बात करें एपिडर्मस से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? एपिडर्मस से रिलेटेड। तो इनकी जो एपिडर्मस है ना वो कंसिस्ट करती है आउटर लेयर के ऊपर। किसके ऊपर एग्जिस्ट करती है? आउटर लेयर के ऊपर, जिसको हम लोग टैगमेंट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? टैगमेंट का नाम देते हैं। अब इसने एक सेकेंडरी बना ली, यानी कि एक कॉन्टिन्यूस लेयर्स बनाएगी फ्यूज सेल्स की। क्या बनाएगी? फ्यूज सेल्स की कॉन्टिन्यूस लेयर्स बनाएगी, जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं? टैगमेंट का नाम देते हैं। ये जो आउटर जोन है ना टैगमेंट का,
उसके अंदर ऑर्गेनिक लेयर मौजूद होती है। किसकी ऑर्गेनिक लेयर मौजूद होती है? प्रोटीन्स की और कार्बोहाइड्रेट्स की ऑर्गेनिक लेयर मौजूद होती है आउटर जोन के ऊपर, जिसको हम लोग ग्लाइकोकैलस का नाम देते हैं। ग्लाइकोकैलस, ग्लाइको मीन कार्बोहाइड्रेट और कैलस दैट इज रिलेटेड टू द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लाइकोकैलस इन्हें हेल्प करनी होती है कि न्यूट्रिएंट वेस्ट और गैसेस के एक्सचेंज हो सके अक्रॉस दी बॉडी वॉल। ठीक है, किसके से क्रॉस हो सके? बॉडी वॉल से गैसेस का, वेस्टेज का, न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट हो सके। और ये फ्लूइड को प्रोटेक्ट करती है, हिफाजत करती है एंजाइम्स से और होस्ट इम्यून सिस्टम से। इससे हेल्प प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट एंजाइम्स एंड होस्ट इम्यून सिस्टम से। अब आल्सो फाउंड इन दिस जोन आर माइक्रोविलाई, यहाँ पे माइक्रोविलाई भी मौजूद होते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स के जो है ना एक्सचेंज वो बआसानी हो सके। साइटोप्लाज्मिक जो है ना वो बॉडीज, उनके पास न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? न्यूक्लियाई मौजूद होता है साइटोप्लाज्मिक बॉडीज के पास। अब इनके पास ना सिर्फ ये कि न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेल्स भी होती हैं जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से बिल्कुल नीचे एग्जिस्ट करते हैं। ये जो है ना ये बेसिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके जो नीचे है ना वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेल्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब सिलेंडर सेल ने प्रोसेस करना है और साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना देना है। क्या बना देना है? साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना देना है जिसमें कनेक्शन प्रोवाइड करना है साइटोप्लाज्मिक बॉडीज का आउटर जोन के साथ। ठीक है, क्या करना है इसने? साइटोप्लाज्मिक ब्रिज ने हेल्प करनी है कम्युनिकेशन हो सके बिटवीन साइटोप्लाज्मिक बॉडीज एंड द आउटर जोन। ये थी ट्रीमाटोड की टैगमेंट, यानी कि क्या थी? आउटर लेयर, एपिडर्मस की आउटर लेयर, जिसको हम लोग टैगमेंट का नाम देते हैं। ये बेसिकली एक जनरलाइज्ड फ्लूक की डायग्राम मैंने ड्रा की हुई है, डायजेनेटिक ट्रीमाटोड। अब ये ज़्यादा जो परसेंटेज है ना इस सारी की सारी बॉडी की, वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर सेमिनल वेजिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, और ये यूरेट्रस है, वास डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे ओवरी है, ओविडक्ट है, ओटाइप है, वेटलिन है। ठीक है, रिजर्वायर मौजूद है, यहाँ पे टेस्टिस हैं, एक्सिटी वेस्ट और ये निफीडियो पोर। एक्सिटी वेस्टिस यहाँ पे होती है, फिर निफीडियो के पोर के जरिए जो है ना वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी चली जाती हैं। ये बेसिकली इसका जो है ना वो माउथ फेरनेक्स डेट इज रिलेटेड टू दी फीडिंग। ठीक है, ओरल सकर के जरिए भी बहुत ज़्यादा जो है ना फंक्शनिंग को परफॉर्म करती हैं। तो ये जो है ना जनरलाइज्ड फ्लूक की डायग्राम मैंने आपको रिप्रेजेंट की है, जो मैंने आपको बताया कि जो ये फ्लूक्स होते हैं ना फ्लैट वर्म्स होते हैं, ओवल इनकी शेप होती है, ओवल टू इलोंगेट। आप ये जो एमिल्स ग्लैंड्स है ना, जो यहाँ पे आप लोग नज़र आपको दिखाई दे रहे हैं डायग्राम्स में, ये बेसिकली इनका फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ना फीचर्स वो बहुत इसका वाजिया है। ठीक है, और इसका जो फंक्शन होता है वो ट्रीमाटोड में अनसर्टेन होता है। महल्स ग्लैंड्स इज आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स फीचर्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, इट्स फंक्शन इन ट्रीमाटोड इज अनसर्टेन। इनके जो फंक्शन है ना वो ट्रीमाटोड्स के अंदर अनसर्टेन है। क्लियर ये चीज़ की बेसिकली किस तरह से जो है ना वो ट्रीमाटोड्स के जरिए ट्रीमाटोड्स जो है ना वो टैगमेंट को इस्तेमाल करते हुए एब्जॉर्ब करती हैं न्यूट्रिएंट्स को और इसको आउटर लेयर को आउटर लेयर से जो है वो प्रोटेक्शन हासिल करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब क्लास की, जो कि एस्पाइडोगैस्ट्रिया है। क्या है? एस्पाइडोगैस्ट्रिया है, ये स्मॉल ग्रुप है फ्लूक्स का। क्या है? फ्लूक्स के एक छोटा सा ग्रुप्स है जो कि एंडो पैरासाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? ये एंडो पैरासाइट्स होते हैं। ये प्राइमरी इंटरनल पैरासाइट्स हैं मुलस्क के। इसके ये पैरासाइट्स हैं मुलस्क के अंदर जो है ना वो एंडो पैरासाइट्स होते हैं। अब इनका जो ना इनके पास ओवल होल्ड फास्ट ऑर्गन होता है। क्या होता है? एक ओवल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ओवल होल्ड फास्ट उनके पास ऑर्गन है जिसको हम लोग ओव स्कैप्टर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? ओव स्कैप्टर का नाम देते हैं। अब इसने क्या करना है? इसने हेल्प करनी है कि जो सरफेस है ना एनिमल की वो अटैच हो जाए सबस्ट्रेट के साथ।
covers the entire वेंट्रल सरफेस ऑफ द एनिमल. ये जो ऑफ स्टेप्टर है इसने वेंट्रल सरफेस को टोटली तौर पर कवर किए हुए हैं. ये ऑफ स्टेप्टर इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट ऑर्गन. ये क्या है, एक स्ट्रॉन्गली जो ना अटैचमेंट ऑर्गन है और इसके पास रिड्स और सेप्टा मौजूद है. इसने क्या मौजूद है, ये आपको रिड्स या हम लिखते हैं इसको सेप्टा है जो इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं और इसको यूजली आमतौर पर सब डिवाइड किया हुआ है सेप्टा और रिड्स को. किसको डिवाइड किया हुआ है, ओविसेप्टर ने. ओरल सकर, ओरल सकर इज कैरेक्टराइज ऑफ मोस्ट अदर ट्रीमेटोड, माउथ इज एब्सेंट. इसके अंदर जो माउथ होता है ना वो क्या होता है, एबसेंट होता है. ओरल सकर जो कि बहुत ज़्यादा ट्रीमेटोड से मौजूद होता है इसमें आमतौर पर क्या होता है, एबसेंट होता है. oral sucker characterized of most other trematodes, mouth is absent. अब life cycle जो ना इनकी Aspidogastria का जो life cycle है, इनके life cycle में एक या फिर दो host होते हैं. क्या होते हैं, एक या फिर दो host होते हैं. अब latter के इसके अंदर ना जो final host है ना वो आमतौर पर जो vertebrate होते हैं, क्या होता है, vertebrate. अब vertebrate में क्या, fishes आ सकती हैं, फिर turtle आ सकते हैं. अब जब ये फाइनल होस्ट वर्टिब्रेट है ना आमतौर पर जिसने इन्फेक्टेड हो जाना है मुलस्क को खाकर, और इस तरह से एक मैच्योर एस्पाइडोगैस्ट्रियम की फॉर्मेशन हो जाती है. किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एक इमैच्योर एस्पाइडोगैस्ट्रियम की फॉर्मेशन हो जाती है. ये जो डायग्राम है ना ये रिप्रेजेंट कर रही है एस्पाइडोगैस्ट्रियम फ्लुक्स का लेटरल व्यू. किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये लेटरल व्यू को रिप्रेजेंट कर रही है. जबकि ये वाली जो डायग्राम है ये वेंट्रल व्यू को रिप्रेजेंट कर रही है. वेंट्रल व्यू शो दी लार्ज ओपिसेप्टर एंड न्यूमरियस सेप्टा. इसके अंदर क्या मौजूद है, बहुत ज़्यादा सेप्टा मौजूद है. अब ये जो फ्लुक्स है ना तकरीबन जो इनका इनकी जो लेंथ है ना वो 3 मिलीमीटर है. कितनी इनकी लेंथ है, 3 मिलीमीटर. थैंक यू सो वेरी मच. अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा था आज की ये जो वीडियो है आपको कैसी लगी. अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.